तो राम राम सही भाइयों को, क्या है भाइयों आप सबकी, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी TUV 300 को एक नए अवतार में इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जो कि महिंद्रा बलेरो नियो के नाम से आने वाली है। एक्सटीरियर से ये गाड़ी आपको TUV 300 वाली ही लगने वाली है। आप सबको तो पता ही है महिंद्रा ने TUV 300 को अगस्त 2015 में रिवील किया था और सितंबर 2015 में ये गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया था। तो उसके बाद से दोस्तों इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है। अब महिंद्रा फिर से इस गाड़ी को एक नए फेसलिफ्ट के साथ महिंद्रा बलेरो नियो के नाम से अब दोबारा से रीलॉन्च करने वाला है दोस्तों, जो कि दिखने में TUV 300 वाली ही लगने वाली है। लेकिन इस गाड़ी का जो नाम है वो आपको नए बलेरो के नाम से लॉन्च होगा। तो दोस्तों आपको एक्सटीरियर से ये गाड़ी बहुत ही शानदार मिलने वाली है, बॉक्सी डिज़ाइन में आपको गाड़ी मिलने वाली है। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस इस गाड़ी में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब महिंद्रा का आप सबको तो पता ही है बहुत सारा लाइनअप आने वाला है, जैसे कि महिंद्रा XUV 700, न्यू स्कॉर्पियो, 5-door Thar और फिर नई महिंद्रा बलेरो। दोस्तों सबसे पहले आपको नई महिंद्रा बलेरो लॉन्च होगी, उसके बाद ये सारी गाड़ियाँ लॉन्च होगी। लॉन्चिंग की अगर बात करें तो दोस्तों ये गाड़ी आपको सितंबर 2021 में फेस्टिवल सीजन के आसपास ये गाड़ी लॉन्च कर दी जाएगी, जो कि एक महिंद्रा की तरफ से बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं एक अच्छी खासी लॉन्च होने वाली है। तो एक्सटीरियर से दोस्तों आप देख सकते हैं रियर से आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है इस गाड़ी में, जो कि बिल्कुल ही TUV 300 की याद दिलाएगा। बाकी गाड़ी की डायमेंशन थोड़ी सी लंबी कर दी गई है, यानी कि आपको स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलने वाली है थर्ड रो में। बाकी आपको रियर वाइपर मिलने वाला है, रियर डिफॉगर, रियर स्पेयर व्हील मिलने वाला है, रूफ रेल्स मिलने वाली है। आगे से फ्रंट में इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलेगा। नई डिज़ाइन की इसमें आपको क्रोम की ग्रिल मिलने वाली है। कहने का मतलब यह है कि महिंद्रा अपनी नई बलेरो नियो को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी और आपको एक बिल्कुल ही नई बलेरो नियो मिलने वाली है। और महिंद्रा का बहुत सारा लाइनअप आने वाला है दोस्तों, जैसे कि महिंद्रा की XUV 700 आप सबको पता ही है, नई स्कॉर्पियो, नई 5-door Thar, तो बहुत सारा लाइनअप महिंद्रा का तैयार पड़ा है। बाकी अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें दोस्तों, इंटीरियर आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है TUV 300 वाला, डुअल टोन करके इसमें आपको इंटीरियर मिलेगा। बस आपको एक बड़ा सा इसमें टच स्क्रीन सिस्टम मिलने वाला है, जो कि इसमें चेंजेस करे गए हैं। बाकी गाड़ी पूरी हुबहू वैसी है और थर्ड रो की सीटिंग आपको और भी ज़्यादा बेहतर और कम्फर्टेबल मिलने वाली दोस्तों। बाकी इसकी अगर हम इसकी इंजन की बात करें दोस्तों, इसमें इंजन भी आपको नया मिलेगा, जो कि नए TUV 300 में आता था वो वही इंजन आपको रिट्यून करके मिलने वाला है, यानी कि अब और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ इसमें आपको इंजन मिलने वाला है। गियर बॉक्स भी दोस्तों इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ही ऑप्शन मिलने वाला है। बाकी दोस्तों ये गाड़ी आपको रियर व्हील ड्राइव के ऑप्शन में ही मिलने वाली है, यानी कि इसके पीछे वाले व्हील्स काम करेंगे। तो दोस्तों ऐसी कुछ नई आने वाली बलेरो होने वाली है, लॉन्चिंग जिसकी सितंबर के आसपास, फेस्टिवल सीजन के आसपास ये गाड़ी लॉन्च कर दी जाएगी। अब हम प्राइसिंग की बात करें कि गाड़ी का दोस्तों प्राइस क्या होने वाला है। प्राइस इसका मान के चलो कि गाड़ी 6 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक जाने वाली है। ऑन रोड तक आते आते गाड़ी आपको 10 लाख के आसपास दोस्तों मिल जाएगी। इसका टॉप एंड वेरिएंट डिसेंट सा प्राइस होने वाला है, कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा प्राइस गाड़ी का नहीं मिलेगा, ठीक ठाक प्राइस मिलने वाला है। और कम प्राइस में आपको गाड़ी 7-सीटर मिल रही है, और क्या चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारी आज की वीडियो में आने वाली नई बलेरो नियो के बारे में एक छोटा सा अपडेट था। आपको दोस्तों गाड़ी के बारे में कोई भी आपको डाउट्स हो या कोई भी आपको सवाल पूछने हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों ऐसे ही फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।